अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पाइरल फजीता पाई रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। वार्म मिल्क लेना है 3/4 कप, 1/3 कप ऑलिव ऑयल, 2 पिंच साल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून ईस्ट एंड 1 एग। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मैदा ऐड करना है 2 कप। मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसका स्मूथ सा गूंद कर डो तैयार करना है। डो सेट होने में 3 से 4 मिनट लेगी। अब मैं इसको ऊपर से ग्रीस करूंगी और 1 आवर के लिए वार्म प्लेस पर कवर करके रख दूंगी। टमाटर लिए हैं मैंने तकरीबन 1/2 kg बॉयल, इनको अब मैंने मैश किया है। फ्लेम को ऑन करने के बाद मैंने पैन में ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और इसमें 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप किया हुआ और 3 से 4 क्लॉव जो है मैंने लहसुन के ऐड किए हैं। अब मैं इसको सोटे करूँगी। वन चॉप्ड टमाटो और मीडियम साइज चॉप्ड मैंने बेल पेपर ऐड की है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। साल्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, करियंडर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमन सीड 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 2 पिंच। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इनको मिक्स करूँगी। इस मसाले को 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें मैश किए हुए पोटैटो शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें बॉयल किया हुआ चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें पोटैटोज़ ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है अनारदाना। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करूँगी। पोटैटोज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिलिंग अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम टर्न ऑफ करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। आफ्टर 1 आवर डो बिल्कुल तैयार है। इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। अब मैं इसमें से एयर बबल्स को रिमूव करूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने मज़ीद गूंदना है। डो को इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद मैं इसके 8 बॉल्स तैयार करूंगी। थोड़ा सा खुश्क मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसको कुछ इस तरह से आपने बेल लेना है। अब मैं इसमें फिलिंग ऐड करूंगी। फिलिंग ऐड करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से रोल करूंगी।
रोल करने के बाद मैं इसको सर्कल शेप दूंगी। ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद मैं इसको ट्रे में सेट कर दूंगी। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए मैं अब इस पूरी ट्रे को फिल करूंगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। थोड़ा सा इस रेसिपी की प्रिपरेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिच होती है और हर एज ग्रुप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आप इस रेसिपी को स्पेशली ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में, इवनिंग टाइम या डिनर टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो आप इसको दूसरे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को आप बेल के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ डिलीशियस, चीप और फास्ट रेसिपी शेयर करूं ताकि आप इसको इजीली इंजॉय कर सकें। ये मेरा लास्ट बॉल था जिसको मैंने बेल के फिल किया है। अब मैं इसको रोल कर रही हूँ। सारे बॉल्स को बेल के फिल करते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया ताकि रेसिपी की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अब मैं इसको ट्रे में सेट करूँगी। ट्रे जो है वो सारी फिल हो चुकी है। अब ये जो लास्ट रो रह गया है इसको भी मैंने ट्रे में सेट कर दिया है। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने सारी ट्रे को फिल किया है। मिल्क के साथ अब मैंने इसके ऊपर से कोटिंग करनी है। कोटिंग के बाद मैंने इस पे चाट मसाला और ब्लैक सीड थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया है और इसको 250 टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए बेक करूंगी। आफ्टर 15 मिनट ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली को ये रेसिपी स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप इसको ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।